गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप लोग का एक बार फिर से हमारे साथ स्वागत है। चलिए आज हम बात करेंगे, आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ आ रही है। अभी लॉकडाउन की वजह से जॉब तो नहीं आ रही है, लेकिन फिलहाल जो लोग बैठे हुए हैं उन लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ आ रही है कि आप लोग को अभी लॉकडाउन के सिचुएशन में कहीं भी कोई काम नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप लोग को अप्रेंटिस करने के लिए बहुत ही अच्छा मौका दिया जा रहा है। ये NCL के तरफ से आई हुई है और ये अप्रेंटिसशिप है नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के तरफ से। ये जो है ये एक महारत्ना कंपनी है और इसमें अच्छी वैकेंसी आई है अप्रेंटिसशिप के लिए, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.nclcil.in। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका जितना भी PDF होगा आप इसके इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और बाकी की जो भी डिटेल्स होंगी आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, ये इसका एडवर्टाइज नंबर दिया हुआ है और ये जो नोटिस जो आई हुई थी वो 16/7/2020 को आई है। इसमें सब बातें क्लियर है और ये चीज़ें हम देखते हैं नीचे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ये 1 साल का अप्रेंटिसशिप होगा और नीचे इसका जो ट्रेड वाइज है, जो लोग ITI करे हुए हैं उन लोगों के लिए ये है। तो चलिए देखते हैं कि ITI के कौन कौन से ट्रेड हैं जो यहाँ पे आप लोग अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कुछ इस तरह से बना हुआ है और यहाँ पे आपको सूचित जाति अनुसूचित जाति जितने भी लोग हैं वो सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ट्रेड दिया हुआ है और यहाँ पे इसका जो सीट है वो भी दिया हुआ है, सब कुछ यहाँ क्लियर किया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे दिया हुआ है वेल्डर के लिए, तो वेल्डर के लिए ये सीटों की संख्या दी हुई है और ये जो आपकी ट्रेनिंग होगी उसका ड्यूरेशन दिया हुआ है 1 साल का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी अप्रेंटिस जो होती है वो 1 साल की होती है, तो ये भी 1 साल की है। सेकेंड नंबर में है इलेक्ट्रिशियन, फीटर, मोटर मैकेनिक, ये सब ट्रेड है, 4 ट्रेड के लिए है यहाँ पे। और आप लोग को ये देख सकते हैं ये सीटों की संख्या दी हुई है टोटल और बाकी यहाँ पे कैटॉग डिवाइस दिया हुआ है सीट की संख्या। एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग कि जब भी आप लोग फॉर्म भरते हैं इस तरह से, ये अप्रेंटिसशिप का फॉर्म जब आप लोग भरते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले हम आपको स्टार्टिंग में बताएंगे कि ये जो फॉर्म भरने का तरीका है वो कुछ इस तरह है कि सबसे पहले आपको यहाँ चलना है ऑनलाइन। अगर एप्लीकेशन आप लोग जमा करते हैं तो सबसे पहले आप लोग को एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखना होगा कि ये जो ऑनलाइन पंजीकरण है वो आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल से स्टार्ट करना है, यानी कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे जाना है जो कि www.apprenticeshipindia.org है। तो आपका जो फॉर्म भरने का जो प्रोसेस होगा वो इस वेबसाइट से होगा। जब आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर देते हैं उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और तब जाके आपको जो NCL का ऑफिशियल वेबसाइट है www.nclcil.in इस पे जाना होगा, यानी कि सबसे पहले आपको अप्रेंटिसशिप इंडिया पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपको यहाँ से इसका फॉर्म अप्लाई करना होगा। इस बात का आप लोग हमेशा ख्याल रखिएगा वरना आपका एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। यहाँ पे आवेदन पत्र की प्रक्रिया दी हुई है तो आप लोग इस वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है और आप वो सारी चीज़ें यहाँ पे लगा सकते हैं। चलिए कुछ और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता देना चाहूँगी। यहाँ पे एज की बात करी गई है तो आपका एज जो है वो 16 वर्ष से 24 वर्ष होने चाहिए, यानी कि जो आपका एज होगा वो 24 साल तक रहेगा। और ये इसमें भी एक दिनांक दिया हुआ है कि 31/12/2019 तक होना चाहिए कम से कम न्यूनतम आयु, उससे ज़्यादा हुई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं भर पाएंगे। तो ये जानकारी थी जो बेहद ही ज़रूरी थी। अब मैं कुछ और जो आपके ट्रेड होंगे वो NCBT होंगे, SCBT होंगे, ये सारी चीज़ें मैं बता देना चाहूँगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ट्रेड दिए हुए हैं 4 ट्रेड, इसके बारे में कुछ अलग अलग जो बातें बताई गई है वो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा ध्यान से। जो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके
आपके जो ट्रेड में जो अंक होते हैं यानी कि जो मार्क्स होते हैं वो भी यहाँ पे मायने रख रहा है। आप देख लीजिए यहाँ पे सामान्य और ओबीसी जो लोग होंगे उनका कम से कम 50% जो आपका ट्रेड से होगा मार्क्स वो कम से कम 50% होना चाहिए और ये चीज़ आपको बहुत मायने रखती है। एक बात और यहाँ पे मेंशन किया हुआ है क्लियरली कि वैसे ही लोग इसमें आवेदन करेंगे जो यूपी और एमपी से पास आउट किए हैं, यानी कि जो लोग एमपी और यूपी से आईटीआई परीक्षा को पास किए हैं वही लोग इसमें आवेदन करेंगे, अदरवाइज अदर स्टेट के जो लोग होंगे वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो लोग यूपी और एमपी से होंगे जिन्होंने मतलब आईटीआई किया होगा वहाँ से वही लोग इसमें अप्लाई करेंगे, अदर स्टेट वाले अप्लाई नहीं करेंगे। और ये वेबसाइट आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, जैसा कि आप लोग को ये वेबसाइट अप्रेंटिसशिप वाला पता होगा और इस वजह से मैंने आपको बताया है क्योंकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो, तो ये चीज़ का आप लोग हमेशा ख्याल रखिएगा। तो ये पीडीएफ जो मैंने डाउनलोड किया है आप लोग भी इसके वेबसाइट पे जैसा कि मैंने बताया आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी की डेट की बात करें, इसकी लास्ट डेट और ओपनिंग डेट की बात करते हैं, तो इसकी डेट यहाँ पे दी हुई है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। आवेदन की प्रारंभ तिथि यानी कि एप्लीकेशन स्टार्ट जो होगी वो 17/7/2020 से और इसका लास्ट डेट 16/8/2020 शाम के 5 बजे तक है। किसी भी तरह की अगर परेशानी होती है फॉर्म को ऑनलाइन करने में तो आप लोग यहाँ पे दिया हुआ नंबर है, यहाँ पे देख सकते हैं ये नंबर है और यहाँ से आप लोग कांटेक्ट करेंगे, बाकी की कोई परेशानी होगी तो यहाँ से आपको सहायता मिल जाएंगी। ये आप लोग जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट होंगे ये फॉर्म अप्लाई करेंगे और आप लोग इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा भी उठाएंगे। आई होप कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में कोई और नई जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।